हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी को पता है, यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो है ग्रेस मार्क देके बिहार इंटर और मैट्रिक एग्ज़ाम में जो 2020 में जो भी स्टूडेंट फेल किए थे एक या दो सब्जेक्ट में, उसको यहाँ पे सरकार के द्वारा पास कर दिया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना रिजल्ट जो है चेक करना है, चाहे आप मैट्रिक में फेल किए हों या फिर इंटर में फेल किए हों, एक या दो सब्जेक्ट में तो ही आपका रिजल्ट जो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जस्ट अभी ये जो स्टूडेंट है हमारे नीरज कुमार पंडित, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है ये फेल हो गया था। ठीक है, इंग्लिश में ये फेल था, पर यहाँ पे अभी जो है इसका रिजल्ट वो पास दिखा रहा है फर्स्ट क्लास। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन जो ये पास हो चुका है। 300 टोटल जो एग्रीगेट मार्क उसको 300 ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस देख रहे हैं 3 मार्क्स जो है उनको मिला है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्ट जो है अभी तुरंत जस्ट के जस्ट अभी आया है और आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको ग्रेस मार्क दे के यहाँ पे जो है प्रमोट किया गया और इसको जो है यहाँ पे पास किया गया है। ठीक है, तो चलिए कैसे रिजल्ट चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इस पे डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन BSEB.in, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे जस्ट वेट कीजिए, यहाँ पे आपको रोल कोड जो है इंटर करना है, ऊपर में नीचे रोल नंबर इंटर करना है, उसके बाद इंटर करना है टोटल यहाँ पे जो सम दिया गया है उसको यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ, तो वेट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं रोल कोड जो है वो फिलअप कर ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर नीचे फिलअप करेंगे 200303031। ठीक है, उसको फिलअप करने के बाद नीचे फिर जो हम यहाँ पे कैप्चा जो है वो उसको फिलअप कर लेंगे, उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे हमारा देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट जो है वो आ चुका है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीरज कुमार पंडित जो अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया था वही रिजल्ट, उसी का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो शो ऑफ होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और यदि आप यदि 3 सब्जेक्ट में फेल किए हुए हैं या 4 सब्जेक्ट में फेल किए हुए हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट जो वो प्रमोट नहीं किया गया है। ठीक है, यदि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो ही यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है उसको आपका जो है रिजल्ट को प्रमोट कर दिया गया और आप इसको जो है प्रिंट करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे और अपना रिजल्ट को जो आप लोग प्रिंट करके इसको सुरक्षित आप अपना मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये था अपडेट। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी यहाँ पे क्लास 10th और 12th एग्ज़ाम में फेल किए हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना रिजल्ट जो है देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।